यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब के बाद सिंध और बलूचिस्तान में भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। FIA कराची, हैदराबाद और कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को कमेटियाँ तश्कील देने का हुक्म। कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरमाना गफलत सामने आ गई। कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर खड़ी रही। कोस्ट गार्ड रेस्क्यू के लिए हरकत में नहीं आए। दावा किया कि कश्ती डूबने का खदशा था, ना ही मदद के लिए कहा गया। आलमी मीडिया ने कोस्ट गार्ड्स का मौकफ मशकूक करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सरहदी फोर्स ने 5 घंटे बाद यूनानी हुकाम को आगाह किया। 10 घंटे बाद एक जहाज के जरिए खाना और पानी पहुँचाया गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन पर जोर। यूनान में 9 इंसानी स्मगलर्स की अदालत में पेशी। मुलजिमान का बेहिसी का मुजाहरा, सेहत जुर्म से इनकार। कश्ती की मंजिल इटली थी। 400 से 750 मुसाफिर थे। ज़्यादातर पाकिस्तानी, शामी और मिस्री बाशिंदे सवार थे। हादसा यूनान के साहिल से 45 मील दूर पेश आया। 104 अफराद को मकामी अमले ने रेस्क्यू किया। सिर्फ 12 पाकिस्तानी जिंदा बच पाए। 2 अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी इसको इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल। वज़ीर आज़म की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। इंसानी स्मगलिंग पर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। 5 एजेंट नामजद। अलमनाक हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। नवाज शरीफ ने हादसे को बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया। सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले एजेंट्स और कंपनीज के कड़े मुहासबे पर जोर। मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम की हिदायत। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमरात होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद खुतबा हज देंगे। गैर मुल्की कर्ज़ों पर बेबसी का इजहार। दोस्त ममालिक पर तनकीद से वज़ीर आज़म शर्मसार। कहा, मुझे और बिलावल को ऐसा दोबारा ना होने की यकीन दहानी कराते कराते 1 साल हो गया। एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय मौशी एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। चीनी दोस्त कहते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर हम कब तक कर्जा लेते रहेंगे। नून लीग से कोई सियासी इख्तलाफ नहीं, आगे भी संगीन इख्तलाफ नजर नहीं आ रहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर में डेरा जमाएंगे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सैलाब मुतासरीन के हवाले से तहफ़ुज़ात दूर होने के लिए पुरुम्मीद। वफाकी बजट पर तहफ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। सैलाब फंड्स के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस करने का मुतालबा। दोनों जमातों का मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक। फरीकैन ने मामलात अपनी अपनी क़यादत तक रखने और मंजूरी लेने के लिए वक्त मांग लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने नोमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। कहा, हमारी पार्टी का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जेल में चौधरी परवेज़ इलाही से 1 घंटे तवील मुलाकात। काफ लीग में शमूलियत की दावत। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार कर दिया। पंजाब असम्बली में भर्तियों में मुबैना बदउनवानी के केस में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। आज सुनाया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला ने डिप्टी मेयर का हलफ उठा लिया। कराची की तरक्की के लिए पूरी सलाहियत के साथ काम करने का आज़म। हाफिज़ नईम रहमान एहतजाजन तकरीब में शरीक ना हुए। सवाल किया, मेयर के इंतखाब पर मुंतखब नुमाइंदे कहाँ गायब थे। JIT की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 7600 MW तक पहुँच गया। शहरों में 6 से 12 घंटे बिजली गायब। कराची में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल।
देहात में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान में बिजली की आंख मचोली और ट्रिपिंग के बाइस इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जलना मामूल बन गया। गन कल्चर अमरीका के लिए वबाले जान बन गया। 5 माह के दौरान फायरिंग के सैकड़ों वाकयात में 19,800 अफराद हलाक हुए, 16,800 जख्मी भी हुए। मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। एशेज के पहले टेस्ट का फातह कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 281 रन के ताकुब में 3 विकेटों पर 107 रन बना लिए। आखिरी दिन जीत के लिए 174 रन दरकार। शाहीन शाह अफरीदी भी मैच देखने पहुंचे। तमाशाइयों ने दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाई। फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में एयर शो का आगाज। जदीद हेलीकॉप्टर्स, मुसाफिर तैयारे, मीज़ाइल्स और ड्रोन्स भी शो का हिस्सा। राफेल तैयारों ने खूब करतब दिखाए।